अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब अंदर तो आ गए, नाउ व्हाट टू डू? जिम्मी, हमें छोटे सिद्धांत के कमरे पे नजर रखनी है। अच्छा। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करेंगे उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, ठीक है? चल चल चल। ये राकेश का फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट चेंज नहीं हुआ तो हमारे हाथ में पुलिस की हद कड़ी होगी। उर्मिला आंटी, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे अपनी आई के पास जाना है। मैं बोल रही हूँ, आई के पास जाएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। चुप कर, अपनी आई का रोना आ जाती है रोने के लिए, और मुझे दिमाग लगाने दे आगे करना क्या है। कौन हो तुम लोग? ए बस चुप। परिचय देने के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है, एक काम है तुझसे। कैसा काम? डीएनए रिपोर्ट बदलवानी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। हाँ हाँ पता है, तू बहुत ईमानदार है, तेरे उसूल है, कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन कभी कभी इंसान को बदलना पड़ता है। आज तू बदलेगा? नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे प्रहलाद बेटा, ये तेरे दोस्त लेके आए हैं, कहते हैं कि तूने भिजवाए हैं। क्यों इतनी फिजूल की खर्ची करता है तू? ये मेरे किस काम का है? अरे माँ जी, ये तो मुझे दीजिए, ये मेरे काम की चीज है। अब बोल, तू काम करेगा या फिर मैं लाला को कहूं कि वो अपना काम शुरू करे? आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तेरी माँ, मेरी माँ। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। शाबाश, अब आया ना तू लाइन पे। देखा रहे चंदू, इसे कहते हैं लोमड़ी का दिमाग। चल निकल निकल, लेके जाओ इसे। चल। अगरबत्ती मॉस्किटो वाइन पतीला। अजी, ये अगरबत्ती छोटी सी शानी को भागने से बचाने के लिए है। समझा कमले, ऊपर जाके ना छोटी सी शानी के कमरे के बाहर जाके नजर रख, समझा? जैसे वो आए तो इशारा कर देना। जा जा जा। पूरे घर में धुआं हो गया है, ये बच नहीं रहा है। अलार्म खराब है क्या? ले वो बिल्ली पतली गली से निकल जाए, उससे पहले बच जा मेरे पास। भगवान, ये क्या हो रहा है? इतना कजरी, कजरी जरा किचन में देखना तो। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है। ये आग नहीं लगी है, वो क्या है ना,
हमारे पैर में बहुत मच्छर काट रहे थे तो हम मच्छर छाप अगरबत्ती जला दिए और उसकी वजह से ये। अरे लेकिन मच्छर छाप अगरबत्ती से इतना धुआं थोड़ी ना फैल जाएगा। सॉरी माँ जी, जब हम गांव में थे ना तब हम बहुत सारा झाड़ लेके एक साथ जला देते थे, तो यहाँ पर भी हमने एक साथ 10 पैकेट जला दिए। पागल हो गई है, ऐसा कौन करता है। फिंदा, तुम दोनों यहाँ दरवाजे पे क्या कर रहे हो? और वो भी बड़े बैग के साथ? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रघुवीर रायचंद यहाँ आए थे अपनी बेटी के साथ, वृंदा रायचंद। वो दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया होगा, वो खोलिए प्लीज। रिपोर्ट्स तो मैच नहीं है दोनों की। हाँ तो बस इसे ही मैच कराना है तुझे, समझा? पर इसका कोड अलग है और रघुवीर का कोड अलग है, वो सिस्टम से जनरेटेड है, मैं इसको नहीं बदल सकता। इन दोनों के साथ किसी तुलसी रायचंद का भी टेस्ट हुआ है क्या? क्या कहा? तुलसी रायचंद। तुलसी रायचंद, फिर ठीक से पढ़ो, आप क्या बोल रहे हो आप? तुलसी? सर ये लिखा तो तुलसी रायचंद। उस सड़क छाप का टेस्ट कराया भैया ने। ए राकेश से, ये कौन सी चिड़िया है? वही चिड़िया ताई जिसने नाक में दम करके रखा। ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है ना, ये इसी की वजह से हो रही है। ए डॉक्टर, जल्दी से इस चिड़िया की रिपोर्ट खोल, मुझे भी देखना है कि इसमें क्या लिखा है। जवाब दो ना उर्मिला, इतनी रात को तुम कहीं जा रही हो या कहीं से आ रही हो, वो भी वृंदा के साथ? वो मम्मी जी, मैं तो अलार्म का आवाज सुनकर जग गई थी और वृंदा को जाके झट से उठा लिया ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। और वृंदा आवाज सुन के इतना डर गई कि उसने जल्दी जल्दी में अपना सामान बांध लिया और जल्दी जल्दी में ये मेरा बैग भी ले आई। हाँ दादी, उर्मिला चाची सही कह रही है। चल झूठी वृंदा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ। मालकिन, बच्चे का डर तो माँ की गोद में ही दूर होता है ना। हमें लगता है कि आज ना वृंदा बेबी को आपको अपने कमरे में सुला लेना चाहिए। आप ये सही कह रही हैं। वृंदा बेटा, आप आज हमारे साथ ही सोगे। ओह नो, आज तो एक काम सही नहीं हो रहा, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। एक बात बताओ उर्मिला। जी मम्मी जी। राकेश क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? इतना अलार्म बज गया, घर में इतना धुआं फैल गया, वो उठकर बाहर नहीं आया? वो राकेश किसी अर्जेंट काम से भोपाल गए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे मम्मी जी। कमाल है, बच्चों को माँ को कुछ बताना जरूरी लगता ही नहीं आजकल। दरवाजा बंद कर देना। It's a match. तुलसी रायचंद और रघुवीर रायचंद का सैंपल मैच कर रहा है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है?
मतलब वो सड़क छप को तुलसी रायचंद, मतलब तुलसी रघुवीर भैया और जानकी बाबी की बेटी है, रायचंद खानदान की पोती। एकदम अनोखी पीस है। क्या करती रहती है तू बिना अपनी परवाह किए? जानकी माँ और शेख के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो मेरे अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे रिश्ता जुड़ गया जो कभी टूट नहीं सकता। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।